स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मथुरा सीआईएसएफ के जवानों ने कई संगठनों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया। मंगलवार को मथुरा सीआईएसएफ के जवानों एवं कई संगठनों और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। सीआईएसएफ उप कमांडेंट डॉक्टर नीरज भारती ने बताया कि तिरंगा रैली निकालने का उद्देश्य है कि लोगों को आजादी के बारे में एक संदेश दिया जा रहा है और जो आजादी दिलाने में शहीद हुए हैं उनके बारे में बताना। बॉर्डर पर सीज फायर होते रहते हैं और हमारी सेना लगातार उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में 9 अगस्त से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जा रहा है। हमारे युवाओं को देश की सेवा करनी चाहिए और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए और आजादी दिलाने वाले शहीदों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई तिरंगा रैली है जिसमें कि सरकार का और हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अपने देश के प्रति, उस आज़ादी के प्रति जो है लोगों को महत्व हो और उसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि किस तरीके से लोगों ने अपना बलिदान दिया और इस देश को एक तिरंगा दिया। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को, लोगों को पता चले कि तिरंगा रैली का महत्व क्या है। उसके लिए हमने DPS के साथ मिलकर, केंद्रीय विद्यालय और तमाम उन संगठनों के साथ मिलकर एक रैली निकाली। इस मौके पर सहायक कमांडेंट सोमा रानी, उप निरीक्षक विकास कुमार आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए मथुरा से जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट।